जिले में शतःा नजीब बिस्मिल स्टूडेंट करेंगे सेटलमेंट का टॉपिक फाइव पॉइंट वन सेटलमेंट्स आर प्लेस पीपल लिव एंड कैरी आउट देयर एक्टिविटीज सेटलमेंट्स ऐसी जगहों को कहते हैं जहाँ पर लोग अपनी ज़िंदियाँ गुजारते हैं अपने घर बनाते हैं और अपने रोजगार तलाश करते हैं और अपने बाकी ज़िंदगी की जो एक्टिविटीज़ हैं जो कारोबार हैं वो करते हैं प्रीवियसली लर्न दैट पीपल प्रेफर टू सेटल्स इन प्लेसिस विद फेवरेबल कंडीशन सच है इस टाइल सॉइल माइल्ड क्लाइमेट्स एंड फ्लैट ट्रेन अब कुछ मुझे ना ब्लर है पिक्चर एक्चुअली मुझे इसलिए थोड़ा सा ना पढ़ने में परेशानी हो रही है आपको मैंने पहले भी इस सबक से पहले आप पढ़ चुके में हैं कि लोग ऐसे जगहों पर सेटल होना रहना पसंद करते हैं जहाँ पर वेदर कंडीशंस बहुत टॉलरेबल हो ना या फेवरेबल हो यानी बहुत ज़्यादा बारिश ना हो बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो मतलब अच्छा सा अच्छी कंडीशन हो वेदर की हर तरह का मौसम वहाँ उनको मिले और इसके अलावा वहाँ ज़रखेज़ ज़मीन हो जहाँ वो फसलें उगा सके अपने खाने पीने के लिए सेकेंडली वहाँ पर माइल्ड क्लाइमेट्स हों माइल्ड क्लाइमेट से मुराद ये है कि ठंड में नॉर्मल ठंड और गर्मियों में नॉर्मल गर्मी ये नहीं कि एक्सट्रीम वेदर पहुंच जाए सर्दी हो तो बहुत ज़्यादा सर्दी गर्मी हो तो बहुत ज़्यादा गर्मी और फ्लैट टेरन सो तो फ्लैट टेरन का मतलब है कि मैदानी इलाके हूँ ज़्यादा मैदानी इलाक़े पसंद करते हैं पहाड़ और इस तरह के ना स्टीप वगैरह और प्लेट्यूज वग़ैरह ऐसी जगह ना हो जहाँ पर क्योंकि पानी वहाँ तक पहुँचाना बहुत मुश्किल होता है और भी बहुत सारी मस, मसले मसाइल हैं ऐसे इलाकों के तो वो मैदानी इलाकों में ज़्यादा पसंद करते हैं सेकेंड टॉपिक पढ़ते हैं फाइव पॉइंट टू साइट एंड सिचुएशन साइट एंड सिचुएशन का डिफरेंस मैं आपको इसमें बताऊँगी कि एक्चुअली साइट किसको कहा जाता है और सिचुएशन किस को कहा जाता है द साइट इज़ द एक्चुअल लोकेशन ऑफ अ सेटलमेंट एंड द फिजिकल फीचर इट हैज़ These includes landforms एंड क्लाइमेट अब साइट क्या है आप पाकिस्तान में कहाँ रहते हैं ये आपकी एक्चुअल साइट बताएंगे आप कहेंगे जी मैं पंजाब में रहता हूं पंजाब बताने से पता चल जाएगा कि आप का इलाका किस तरह का है यानी आप मैदानी इलाके से हैं अगर कोई कहता है जी मैं बलूचिस्तान से हूँ या कोई कहता है मैं सिंध से तो फ़ौर सिंध से आपके सिंध में वहाँ की एक्चुअल लैंड फॉर्म्स आ जाएंगी कि ये समंदर वाले इलाके में रहता है ठीक है ना और कोस्टल एरिया है और या बलोचिस्तान है तो ये हिली एरिया है सारा तो ये समझ आ जाती है कि अच्छा जी साइट क्या है जो आपका एक्चुअल लोकेशन है और सिचुएशन क्या है द सिचुएशन इज द लोकेशन ऑफ अ सेटलमेंट रिलेटिव टू द सराउंडिंग एंड अदर प्लेसेस सिचुएशन का मतलब ये है कि जी पंजाब में कहा पंजाब में तो बड़े सारे शहर हैं आप कहाँ रहते हैं तो कहेंगे जी मैं लाहौर में फलाने फलाने कॉलोनी में फलाने मोहल्ले में फलाने जगह पर रहता हूँ तो ये होती है आपकी सिचुएशन कि जी मैं इस जगह पर जो है ना शॉर्ट फॉर्म में जो आप मैप के ऊपर सर्च करके दिखाते हैं कि अपनी लोकेशन भेजें ये वो लोकेशन होती है अपनी सराउंडिंग्स के जरिए कि जी आप आ, मुझे मिलना है तो जी मेरा घर स्टेशन के सामने है या मेरे घर के सामने इतनी बड़ी मस्जिद है इतना बड़ा पार्क है तो आप निशानियां बताते हैं तो ये सिचुएशन कहलाती है इन इट कंसीडर्स द फिजिकल एंड ह्यूमन फीचर्स आर नियर द सेटलमेंट विच हेल्प्स टू डिटर्मिन इट द इफ़ द सेटलमेंट ग्रोज टू बिकम अ लार्ज सिटी और रिमेन अ स्मॉल टाउन अब इसके साथ साथ आप अपनी सिचुएशन जो बता रहे होते हैं ना उसमें यह भी बता रहे होते हैं कि मैं किस कैसा इलाका है अगले बंदे के जहन में आ जाता है कि यार यहाँ हम भी रहना चाहते हैं हम मज़ीद कोई घर ले सकते हैं या नहीं ले सकते जैसे मैं कहूँगा जी मैं गांव में रहता हूँ और वो भी पंजाब में ही होता है गांव भी ठीक है तो आपके जहन में आएगा यार मैं भी वहाँ घर बनाकर अपनी फसलें वगैरह उगा सकता हूँ ठीक है ना यानी आपके जहन में एक पूरा नक्शा उभर आता है उस इलाके का कि यहाँ मुझे बैंक भी मिल जाएगा यहाँ स्कूल भी मिल जाएगा यहाँ ये फैसिलिटी भी मिल जाएगी तो और ये आने वाले सालों में ये इलाका अगर टाउन है तो वो सिटी बनने में उसको कितनी देर लगेगी और अगर सिटी है तो उसको और ज़्यादा बड़ी सिटी बनने में कितना टाइम लगेगा तो ये कहलाती है असल सिचुएशन साइट क्या है बड़ा इलाका ठीक है ना जैसे प्रोविंस है या प्रोविंस के अंदर कोई बड़ी जगह है जो मैंने भी आपको पहले साइट के बारे में बताया और सिचुएशन क्या है जो नियरेस्ट आप किसी चीज़ अपनी जगह अपनी लोकेशन बताते हो अब नीचे उन्होंने सेंसेस का एक आपको टेबल दिया हुआ उसमें सिटीज लिखी हुई हैं और उनकी ग्रोथ जो है ना वो बताई हुई है कि 2017 में कितनी थी और मिलियंस में बताई हुई है यानी 14.91 मिलियंस थे 2017 में कराची में जो लोग थे ठीक है ये मरदमशुमारी सेंसेस किसे कहा जाता है मरदमशुमारी को कितने बच्चे कितने मर्द हैं कितनी औरतें हैं ठीक है ना तो ये रेट उन्होंने 2017 का आपको दिया हुआ है जो आप देख सकते हो जैसे हमें पता चल सकता है कि कोई इलाका कितनी तेज़ी से ग्रो कर सकता है और बड़ा शहर बन सकता है या उतने का उतना ही रहेगा ये सेंसेस हमें हेल्प आउट करते हैं सिचुएशन को देखने में और ये सिचुएशन में ही आता है ठीक है ना क्योंकि शहरों के बारे में बताया गया है फॉर एग्ज़ाम्पल साइट ऑफ कराची इज़ ऑन कोस्टल प्लेन्स विद स्कैटर्ड मार्श मार्शलैंड एंड हिल्स अब जैसे इसी को हम मज़ीद अगर साइट और सिचुएशन के बारे में बात करें तो सिचुएशन को लेकर देखें सॉरी uh, साइट को अगर देखें तो कराची uh, जो है ना वो कोस्टल प्लेन है अगर हम कहेंगे ना जी हम सिंध से हैं तो सिंध में हमें फ़ौर ख़्याल आ जाएगा जी ये तो समंदर के पास रहता है तो समंदर में शहर जो इलाका है ना वो कराची है ज़्यादा जो गुंजानाबाद है तो वहाँ ना सिर्फ समंदर है बल्कि समंदर के अलावा भी उसके अंदर कुछ ऐसे इलाके हैं जो मार्श हैं यानी दलदली इलाके हैं पानी ज़्यादा है उनमें नमी ज़्यादा है और वहाँ पर पहाड चोड़ छोटी छोटी हिल्स भी हैं पहाड़ियाँ भी हैं इट हैज़ एन एंड क्लाइमेट बट रिसीव मूनसून रेन फ्राम जुलाई टू सेप्टेम्बर एक्चुअली यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ था जो यहाँ मि मिस जो है ना प्रिंट हो गया है वैसे तो उसका अगर देखा जाए ह्यूमिड और ड्राई क्लाइमेट है कराची का देखा जाए लेकिन uh, वहाँ जब बारिशें होती हैं ना जुलाई से सेप्टेम्बर तक तो बहुत ज़्यादा पानी Uh, जो है वो वहाँ पर आ जाता है जो जिस तरह उसने कहा था बिलावल ने कि जब बारिश आता है तो पानी आता है और जब बहुत ज़्यादा बारिश आता है तो बहुत ज़्यादा पानी आता है और यह शहर जो है ना समंदर से निचली साइड पर है ठीक है ना समंदर एक स्टीप है स्टीप वाले एरिए में गहराई में ये शहर है और समंदर इससे थोड़ा ऊंचा है तो जब बारिश होती है तो वो पानी शहर का समंदर में जाने की बजाय वो शहर के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है इट मे बी डिफ़िकल्ट टू इमेजन हाउ कराची ग्रू इन द बिगेस्ट सिटी इन पाकिस्तान If we only consider the characteristics of its site, अगर हम site को लेकर देखें ना कि लोग तो पसंद करते हैं ऐसी जगहों पर रहना जहाँ पर अच्छा climate हो और अच्छी fertile land हो और जो है ना वहाँ पर रिहाइश जो है ना मैदानी सा इलाका हो पहाड़ियाँ ना हो समंदर ना हो क्योंकि समंदरी इलाक़ों में तो नमक ज़्यादा होता है ना और वो बहुत उनका क्लाइमेट ख़राब होता है सब्जियों के लिए और चीज़ों के लिए तो ये अगर हम इन बातों पर गौर करें ना साइट वाली बातों पर तो साइट uh, की करेक्टरिस्टिक के हिसाब से कराची इतना बड़ा शहर कैसे बन गया हम तो ये हैरान हो जाएंगे हाउ एवर इफ़ वी कंसिडर कराची सिचुएशन लेकिन अगर हम कराची की सिचुएशन को देखें ना वी कैन बिगिन टू बेटर अंडरस्टैंड कराची ग्रो तो हमें पता चलेगा कि भाई ये कराची इतना बड़ा शहर कैसे बन गया साइट में आप क्या चीज़ सबसे पहले नोट कर रहे हो कि वहाँ का क्लाइमेट अच्छा हो वहाँ पर सॉइल अच्छी हो वहाँ पर ताज़ा पानी मिलता हो वहाँ पर फसलें अच्छी उग सकें और ज़्यादा मैदानी इलाका हो बेहतरीन रहने के लिए अगर आप साइट की ये जो चीज़ें ना ये लिख लें आप कहीं पर अगर वो आपको कहते हैं साइट एंड सिचुएशन में डिफरेंस बताएं तो आप साइट की ये चीज़ें ये करैक्टरिस्टिक्स बताएंगे और अब सिचुएशन की करैक्टरस्टिक्स देखें तो वहाँ क्या है कि वहाँ की फैसिलिटीज़ कितनी है वहाँ रहने वालों के लिए आसानियाँ कितनी हैं और वहाँ आप मज़ीद तरक्की की तरफ जाएंगे या आपकी तरक्की रुक जाएगी यानी वो टाउन की शक्ल ही रखेगा या एक छोटी सिटी रहेगा या बड़ी सिटी बन जाएगा और अगर हम कराची को देखें ना साइट वाली करैक्टरस्टिक्स को हटाकर सिचुएशन को इसकी देखें तो क्योंकि बंदरगाह इसके नज़दीक है समंदर है बंदरगाह है पास आ, हार्बर है तो वहाँ पर पूरी दुनिया से जहाज आके लगते हैं ठीक है ना और सारी चीज़ें जो है ना नकलो हरकत जो तजारत होती है वो सब इसी रास्ते से होती है बहुत ज़्यादा मिदान में और कराची इसी लिए ज़्यादा मशहूर है बहुत दुनिया वहाँ आबाद है क्योंकि वो तजारत पेशा जो लोग हैं ना तजारत के पेशे से मुंसलिक उनको बड़ा फ़ायदा है वहाँ पर तो ये इस चीज़ को अगर हम देखें इसकी सिचुएशन को कि समंदर के पास होना उसके लिए प्लस पॉइंट है बेशक उसके पास अच्छी फसलें नहीं उग रही हैं लेकिन समंदर होने की वजह से उसको बहुत फ़ायदा हो रहा है जैसे कराची सिचुएशन अलोंग अ नेचुरल हार्बर फेसिंग द अरेबियन सी मेड इट इजी टू तो ट्रेड अक्रॉस द अरेबियन सी जैसा मैंने आपको बताया दिस अलाउड कराची टू ग्रो फ्रॉम अ स्मॉल फिशिंग कम्युनिटी इनटू अ सेटलमेंट और यही वजह बना पहले यहाँ पर क्या था मछेरे रहते थे कराची में बहुत अर्ली की बात हो रही है ये लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ यहाँ पर बाहर के मुल्कों से जो है ना लोग आके आबाद होना शुरू हो गया अपनी हिस्ट्री में अपनी पढ़ा है कि सबसे पहले सिंध के ऊपर जो है ना किस तरह लोग समंदर के रास्ते आए और किस तरह यहाँ पर आबाद होना शुरू हुए हो और यहाँ पर जो कम्युनिटी है ना उनकी सेटलमेंट स्टार्ट हुई है When the British ruled Karachi in the 18th so जब 18वीं century में British ने rule किया Karachi के ऊपर they introduced a river steamer service and built railway to connect Karachi to neighbouring places तो उन्होंने river steamer एक service थी वो बनाई और एक railway बनाया बकायदा उसको connect कर दिया उस river steamer service को railway के साथ ताकि वो neighbouring places जो है ना वो चाहे आपके Karachi के अंदर हैं या Karachi से बाहर हैं Uh, समंदर के साथ साथ जो भी आगे कराची से आगे कोस्टल एरियाज लगते हैं दूसरे मुल्कों के उनको आपस में जोड़ सके कराची देन बिकेम द प्रिंसिपल पोर्ट फॉर द इंडस रिवर रीजन एंड ग्रू इन टू द बिगेस्ट सिटी इन पाकिस्तान अब क्या हुआ कि जो जहाज़ आ कराची उतरता इस रेलवे की मदद से पाकिस्तान के अंदर दूर तक ना उस रेल के ऊपर रख कर वो सामान अंदर भेज दिया जाता पाकिस्तान के बा, बाकी शहरों और बाकी इलाकों को तो क्या हुआ कि मेन हब क्या बन गया कराची बन गया लोगों ने ज़्यादा इस तरफ़ तवज्जो की कि यार उधर चलो हमें यहाँ सामान लाना महंगा पड़ता है यानी लाहौर तक कराची से सामान लाया जाए तो बहुत ट्रक का किराया पड़ता है तो ज़्यादातर लोग इस चीज़ को बेहतर समझने लगे कि क्यों ना हम गोदाम ही कराची में बना लें वहीं सारी पैकिंग करें और फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करें तो हमारे लिए फ़ायदा बस इसी तरह ये ग्रो होना शुरू हो गया अपनी सिचुएशन की वजह से नॉट बिकॉज ऑफ इट्स साइट इट बिकम ग्रू इन अ बिगेस्ट सिटी ड्यू टू इट्स सिचुएशन तो सिचुएशन का अब आपको अच्छे से समझ आया होगा कि साइट और सिचुएशन क्या है साइट की अलग करैक्टरिस्टिक्स हैं सिचुएशन की अलग करैक्टरिस्टिक्स हैं अगर अब इसी को मज़ीद आगे साइट और सिचुएशन को मज़ीद समझें तो हम एक और सिटी के बारे में एग्जांपल ले लेते हैं एक और सिटी की जैसे फैसलाबाद है फैसलाबाद इज़ अ नदर एग्ज़ाम्पल ऑफ़ अ सिटी दैट डेवलप्ड ड्यू टू इट्स साइट एंड सिचुएशन साइट और सिचुएशन की वजह से ही वो डेवलप की ऐसा उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं थी जिस जिससे वो इतना बड़ा शहर नामा नाम मिला उसको या बाहर के मुल्कों में लोगों को बहुत पता है फैसलाबाद के बारे में है तो देखने में छोटा सा शहर है लेकिन फैसलाबाद बहुत मशहूर है बाहर के मुल्कों में अब्रॉड द साइट ऑफ फैसलाबाद लाइज इन द फ्लैट प्लेन ऑफ द पंजाब रीजन पंजाब के रीजन के अंदर मैदानी इलाका है जिस पर फैसलाबाद आबाद है बड़ी फर्टाइल लैंड है वहाँ रिवर है इट एक्सपीरियंस अ सेमी एंड क्लाइमेट सेमी क्लाइमेट है इसका बहुत अच्छा न गर्मी तो होती है यहाँ पर लेकिन फसलों के लिए बहुत सूटेबल है एंड रिसीव मानसून रेंस फ्राम जुलाई टू सेप्टेम्बर और ये भी मानसून रिसीव करता है जुलाई सेप्टेम्बर में सिंस फैसला बात इज सिचुएट नीयर द चनाब रिवर एंड द रावी रिवर एलोवियाल डिपॉजिट फ्राम द रिवर मेक इट्स ऑयल फर्टाइल अब ये दो दरिया इसको लगते हैं एक तो चनाब का लगता है और एक रिवर लगता है इसको रावी का जिसकी वजह से एलोवियाल डिपॉज़िट जो है ना एलोवियल क्या होता है जब सैलाब आता है तो बहुत ज़्यादा मिनरल वाली पहाड़ों से जो मिट्टी है वो दरिया जाते हुए दरिया के किनारों पर छोड़ जाता है तो वो किनारों से वो मिट्टी जो है ना ये लोग उठा कर तो अपनी फसलों और वहाँ पर जरात के लिए इस्तेमाल करते हैं एलो एल डिपॉजिट होता है और बहुत ज़्यादा मिनरलाइज फर्टाइल सॉइल होती है दिस अलाउड यहाँ मुझसे जा रहा टू प्रोड्यूस शुगर व्हीट कॉटन एंड फ्रूट्स मतलब ये अलाउ करती है सिटी को सॉरी सिटी टू प्रोड्यूस ये शहर को इस चीज़ के लिए uh, जो है ना फ़ायदा देती है कि वो उगा सके वहाँ पर गन्ना गंदम और uh, कपास कपास क्या होती है कॉटन जैसे हम बर्ड्स लगे होते हैं कॉटन के उसके ऊपर और दूसरे किस्म के फ्रूट्स जो हैं तो ये बड़ा फ़ायदा हो गया फैसलाबाद को दो दरिया लगने से इन द एटीन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एट लिंक रोड्स डिजाइंड एंड बिल्ड टू कनेक्ट फैसला बात टू डिफरेंट रीजन इन पाकिस्तान अब पंजाब के बाकी रीजन के साथ जोड़ने के लिए अठारहवीं ही सदी में जब ब्रिटिश रूल था तो उन्होंने बड़ा काम किया पाकिस्तान के अंदर क्योंकि वो तो रहने यहाँ आए थे ना उनका तो दिल ही नहीं था कि कभी इस जगह से उन्होंने जाना भी है इसलिए उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाई बड़ी बड़े डिजाइन की उन्होंने सड़कें बड़ा कुछ करके गए हमारे लिए लेकिन ये सब कुछ अल्लाह नहीं करवाया उनसे वो तो अपने समझ रहे थे कि उन वो अपने लिए ये सब कुछ कर रहे हैं तो उन्होंने कनेक्शन दे दिया फैसलाबाद को क्योंकि वहाँ पर अच्छी फसलें उगती थी वहाँ दो दरियाओं की ज़मीन थी कॉटन बड़ी अच्छी थी वीट बड़ी अच्छी वहाँ गंदम बड़ी उगती थी और गन्ना उगता था तो बाकी शहरों को पहुंचाने के लिए ये सारी चीज़ें सहूलियात तो उन्होंने डिज़ाइन कर दिया आठ रोडों को लिंक किया ठीक है ना बड़े बड़े मेन रोड्स थे जिनको लिंक कर दिया आपस में दिस हेल्प द एग्रीकल्चर ट्रेड एंड अलाउड द सिटी टू मूव इन टू अदर इंडस्ट्रीज लाइक फूड प्रोसेसिंग एंड ग्रेन क्रशिंग इवन टूडे या यहाँ तक आज तक जो है ना ये फूड प्रोसेसिंग और ग्रेन क्रशिंग के लिए ये सारी इंडस्ट्री जो है ना आबाद है फैसलाबाद की और इन्हीं रोड्स की वजह से एग्रीकल्चर ट्रेड जो है ना जरात के पेशे में बहुत बढ़ोतरी आई है और बहुत ज़्यादा काम हुआ है इवन टुडे अच्छा सॉरी इंडस्ट्री आर्ट स्टिल अ मेजर पार्ट ऑफ फैसलाबाद इकोनॉमी और फैसलाबाद की जो इकॉनमी है ना बड़े बड़े सेठ लोग वहाँ रहते हैं बड़े मज़बूत लोग हैं जो चावल की और गन्ने की काश्त और कपास की काश्त से मुंसलिक हैं और वो सिर्फ मुल्क में नहीं गैर मुल्की तौर पर जो है ना बरामद भी करते हैं दरामद भी करते हैं सारे चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं अब हम आगे पढ़ लेते हैं अब आपको समझ आ रहा होगा कि अब इसमें साइट और सिचुएशन क्या है यहाँ दरिया है तो इसकी साइट भी अच्छी है और सिचुएशन भी अच्छी है आ, अगर हम देखा जाए इसको तो और साइट के लिहाज से यहाँ पर क्या है कि फ़र्टाइल सॉइल है ठीक है ना क्लाइमेट अच्छा है तो अब यहाँ पर साइट भी इसको फ़ायदा दे रही है और सिचुएशन कैसे फ़ायदा दे रही है जो ब्रिटिश लोगों ने वहाँ पर रोड्स बना दिए ना लिंक कर दी आठ रोड्स तो ये ओ, उन एग्रीकल्चर ट्रेड के लिए सिचुएशन जो है ना उनकी बहुत अच्छी हो गई है तो ये साइट और सिचुएशन था जो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया अब चलते हैं टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स की तरफ यहाँ आप देख सकते हो साइड एंड सिचुएशन जो है ना यहाँ पर भी इन्होंने मार्क की हुई है हमारे मैप के अंदर टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स में उन्होंने लिखा हुआ है कि सेटलमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज अ रूरल और अर्बन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एक्टिविटी दैट द पीपल इन द सेटलमेंट आर इन्वॉल्व इन अब सेटलमेंट्स को हम नॉर्मली जो क्लासीफाई करते हैं ना वो कहते हैं या शहरी बंदा है या या देहाती बंदा है ठीक है ना शहर और देहात में हमने डिवाइड कर दिया सेटलमेंट्स को या हम uh, वहाँ के रहने वालों की एक्टिविटीज़ के हिसाब से बात करते हैं कि जी ये बंदा अगर शहर से ताल्लुक रखता है तो ये जरूर किसी इंडस्ट्री से होगा या किसी फैक्ट्री में काम करता होगा या किसी प्राइवेट ऑफिस में काम करता होगा या बैंक में या अगर गाँव से है तो यकीन खेती करता होगा ठीक है ना ये हमारे लिए आसान हो जाता है क्लासीफाई करना सेटलमेंट्स कैन ऑल्सो भी क्लासीफाइड एज न्यूक्टेड एंड डिस्पर्स अकॉर्डिंग टू द वे इन विच द डिवेलिंग आर अरेंज अब इसके अलावा हम इन सेटलमेंट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं न्यूक्टिड में भी और डिस्पर्सल में भी यानी उनके रिहाइश के अंदाज़ क्या है वो एक जगह इकट्ठे होकर रहते हैं क्लस्टर शेप में या अलग अलग लोगों ने अपने घर बनाए हुए दूर दूर एक दूसरे से ठीक है तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि न्यूक्टिड क्या होता है और डिस्पर्सड सेटलमेंट्स uh, कैसे होती हैं Uh, उनके रहने के तरीके कैसे होते हैं उन्होंने अपने डिवेलें uh, कैसे अरेंजमेंट्स की होती हैं अपनी रिहाइश की रूलर्स एंड अर्बन सेटलमेंट्स इन और रूरल सेटलमेंट द पीपल आर इंडिविजुअल्स इन एक्टिविटीज सच एज फार्मिंग माइनिंग फिशिंग और फॉरेस्ट्री अगर हम रूलर सेटलमेंट्स की बात करें तो हर बंदा ना इंडिविजुअली अपना कोई ना कोई काम कर रहा होता है कोई किसी ने फार्म खोला होता है मवेशी रखे हुए हैं कोई ज़रात से ताल्लुक़ रखा है उस खेती बाड़ी कर रहा है उसके पास एकड़ों ज़मीन है जिसके ऊपर उसने फसलें उगा हुई हैं कोई माइनिंग से है यानी पहाड़ों में से मिनरल्स निकाल रहा है हीरे मोती और सोना चांदी या और किस्म के बहुत सारे मिनरल्स हैं लाइम स्टोन वगैरह है मार्बल है और या कोई फिशरी कर रहा है यानी दरिया पास से गुजर रहा है तो वो मछेरा है और वहाँ से मछलियाँ पकड़ के अपना रोज़गार गुजर कर रहा है इसके अलावा अगर वो फॉरेस्टरी एरिया में रहता है जंगलों के पास रहता है तो वहाँ वहाँ से लकड़ियाँ काट कर या वहाँ पर जानवरों का शिकार करके या जो भी जिस तरह भी है उसके सेटलमेंट के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजार रहा है द पॉपुलेशन इज यूजली स्मॉल एंड ओनली सिंपल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड और रूरल एरियाज में होता क्या है कि ज़्यादातर देहात में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती ठीक है ना बहुत ज़्यादा अच्छे रोड्स नहीं होते बैंक्स इतने बड़े बड़े नहीं होते बड़े स्कूल नहीं होते बड़े अस्पताल नहीं होते तो बहुत सिंपल सी सादा सी जिंदगी होती है दी सर्विसेज आर बेस सच एज अ पोस्ट ऑफिस एंड शॉप्स दैट विल दैट सेल गुड्स नेसेसिटी फॉर द पीपल डेली नीड्स वहाँ पर छोटी uh, मोटी चीज़ें होंगी या एक छोटा सा हॉस्पिटल हो जाएगा छोटी छोटी दुकानें होती हैं या एक दाखाना होता है तो ताकि रोजमर्रा की जो चीज़ें ना लोग वहाँ से ख़रीद लें यानी इतने बड़े बड़े मॉल्स और इतने बड़ी बड़ी दुकानें और बहुत जैसा मार्केट्स होती हैं ना प्रॉपर वे में वो mm. नहीं होती हैं। As compared to rural uh, settlement, in an urban settlement, the people are involved in activities such as manufacturing and businesses. अब अगर हम मुक़ाबला करें रूर का अर्बन से तो अर्बन सेटलमेंट में लोग जो है ना वो ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं इस किस्म की एक्टिव में मैनुफेक्चरिंग में बिजनेस में और इंडिविजुअली नहीं होते वो एक जगह बहुत सारे लोग कट्ठे काम कर रहे होते हैं ठीक है ना द पॉपुलेशन इज़ यूजली लार्जर देन इन रूरल सेटलमेंट्स एंड मोर सेटलमेंट्स आर प्रोवाइडेड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड अब यहाँ पर क्योंकि रूरल इलाकों में लोग कम तादाद में रहते हैं थोड़े होते हैं और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं तो यहाँ पर सेटलमेंट भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा लोग वहाँ रह रहे हैं और जब ज़्यादा लोग हैं तो उनको सर्विसेज़ भी ज़्यादा मुहैया की जा रही हैं बैंकिंग कमर्शियल, गवर्नमेंट एंड मेडिकल सर्विसेज़ फ़ॉर एग्जांपल आर फाउंड इन अर्बन सेटलमेंट्स अब वहाँ पर किस किस किस्म की सर्विसेज हैं उनको बैंकिंग दी गई है कमर्शियल दिया गया है गवर्नमेंट है यानी रूल बने हुए हैं हर तरह के और वो मार्केट्स हैं वहाँ पर वहाँ पर मेडिकल की सर्विस तो बड़े बड़े हस्पताल हैं बड़े बड़े बैंक्स हैं बड़े बड़े स्कूल्स हैं ताकि वो अपनी अर्बन सेटलमेंट को एंजॉय कर सकें ना क्योंकि ये नीड है वहाँ पर ज़्यादा लोग हैं तो हम इतनी सारी सर्विसेज की ज़रूरत है वहाँ पर ईच टाइप ऑफ एक्टिविटी टेन टू बी कंसनट्रेटेड इन स्पेसिफ़िक एरियाज़ नोन एज जोन बैंक्स फॉर एग्ज़ाम्पल आर लोकेटेड इन वन पार्ट ऑफ द सिटी वैल मैनुफैक्चरिंग विल बी इन अनदर जोन आप देखें ये एक्टिविटीज़ को भी उन्होंने कंसनट्रेट um, कर करके स्पेसिफिक कर दिया है कंसनट्रेट से मुराद ये है कि जिस चीज़ की ज़रूरत जहाँ है उसको वहीं होना चाहिए इंडस्ट्री एरिया एक जगह है और वहाँ पर सारी इंडस्ट्री है वहाँ पर सारी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं ठीक है थीके? जहाँ बैंक्स हैं वहाँ उन्होंने ढेर सारे बैंक्स एक पास बनाए यानी फैसिलिटेट कर दिया ना यानी एक बंदे का बैंक अगर यू बी एल है दूसरे का मेज़ान है तो वो निकल कर जाए तो एक लाइन से सारे बैंक बने होते हैं आप अपनी जो आपका बैंक है रिलेटेड आप उसमें जाकर अपना सारा सिस्टम चला सकते हो तो जोन बनाई गई हैं ये इंडस्ट्रियल जोन है ये बैंकिंग जोन है ये कमर्शल जोन है कमर्शल जोन का मुराद है कि वहाँ पर सारी मार्केट है कपड़ों की दुकानें हैं वहाँ पर मॉल्स हैं वहाँ पर बड़े बड़े जो है ना मार्केट्स कपड़े की मार्केट है और जूते ही मिलते हैं वहाँ पर और ज्वेलरी मिलती है तो इनको जोन में उनमें स्पेसिफिकली डिवाइड कर दिया गया है एंड वी कॉल दी जोन्स फंक्शनल जोन्स ऑफ द सिटी और हम इन जोन्स को क्या कहते हैं फ़ंक्शनल जोन्स कहा जाता है जहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटीज़ टेक प्लेस होती हैं टिपिकली देर आर फोर मेन फ़ोर मेन फंक्शनल जोन्स हैं अगर देखा जाए तो टिपिकली uh, चार फंक्शनल जोन्स हैं कौन कौन सी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है सीबीडी ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपने इन चारों को याद करना है इनकी डिटेल्स को याद करना है सीबीडी क्या है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कि जिसको पता है कि भाई हम इस शहर जा रहे हैं अक्सर हम शहर में रहते हुए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जी हम शहर जा रहे हैं जैसे आप भुजरा में हैं या कराची के किसी दूर पार एरिए में तो आप शहर की तरफ कहेंगे जैसे लाहौर में भी आप कहीं अगर लाहौर शहर से दूर हैं तो आप शहर में रहते हुए भी ये कहेंगे जी मैं शहर जा रहा हूँ यानी जहाँ बहुत बड़ी मार्केटिंग या बिजनेसिस का हब जो जगह है ना आपके उस शहर के अंदर वो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है या सी है इनर सिटी है सबर्ब्स uh, हैं और रूलर अर्बन फ्रिंट्स हैं अब मैं एक एक करके इनको आगे डिटेल में बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा लेकिन आप इन चारों के नाम याद करें ये आपको पता होना चाहिए कि टिपिकली uh, कितनी मेन जोनस होती हैं जो फंक्शनल हैं और um, हम पढ़ते हैं सीबीडी के बारे में द सीबीडी एरिया इज़ द मोस्ट एक्सेसिबल फॉलोड बाय द इनर सिटी अब इनर सिटी uh, से पहले आता है नाम सी का यानी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट उसके बाद हम इनर सिटी को लाएंगे उसके बाद सबर्ब्स होंगे ये कैटेगराइज करें सबसे ऊपर सी फिर आ जाता है हमारा uh, क्या कहते हैं इनर सिटी एंड इनर सिटी के बाद सबर्ब्स एंड उसके बाद रूलर अर्बन फ्रेंच फिर एंड में रूरल एरिया की तरफ जाते हैं हम अब पढ़ते हैं आगे हाउसिंग प्राइसेस आर यूजुअली टेलिंग ऑफ विच जोन यू आर इन अब वहाँ के जो प्राइस है ना हाउसिंग प्राइस या वहाँ के किराए या वहाँ की ज़मीन की कीमत वो असल में आपको बताते हैं कि ये जोन किस तरह का है वो सीबीडी का जोन है वो सबर्ब्स का है वो इन, इनर सिटी का है या वो रूर अर्बन फ्रेंच है तो वहाँ की रिहाइश कि जो जितनी कीमत होगी उस हिसाब से आपको समझ आ जाएगी भाई इलाका कौन सा है दिस इज़ बिकॉज द मोस्ट एक्सेसिबल प्लेस इज़ द मोर एक्सपेंसिव हाउसिंग बी जितना वो एक्सेसिबल होगा जितनी वहाँ सहूलियात होंगी उतना ही वो महंगा इलाका होगा जैसे अगर लाहौर शहर है या गुजरावाला है तो गुजराव वाला में ज़मीनें इतनी महंगी नहीं होगी जितनी लाहौर शहर में है क्योंकि वो क्या है वो सी है दैट इज़ वाई हाउसिंग इन दो सी बी डी एरियाज इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव वाई हाउसिंग इन द रूर अर्बन फ्रेंच इज़ द मोस्ट अफोडेबल अमंग द फोर फंक्शनल जोन अब अगर हम गुजरा वाला को देखें ना तो ये रूलर फ्रेंच बनती है रूरल अर्बन फ्रेंच है यहाँ गाँव भी है और शहर भी है ठीक है न सहूलियात हैं भी और नहीं भी तो अगर लाहौर शहर की बात करें तो वो कम्प्लीटली एक सी बी डी बन चुका हुआ है या अगर कराची है तो वो भी सी बी डी है आ, आगे हम पढ़ते हैं सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट असल में होता क्या है द सिबडी इज़ द बिजने बिजिएस्ट एरिया इन अ सिटी एंड इज़ यूजली लोकेटेड एट द सिटी सेंटर अब ज्यादातर ये सिटी सेंटर कहलाता है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शहर में रहते हुए भी हम शहर जाने का नाम क्यों लेते हैं Uh, जो लोग लाहौर गुजरावाला या फैसाबाद में रहते हैं उनको पता होगा शहर किसको कहा जाता है uh, यानी जहाँ पर मेन हब होता है जहाँ सारी मार्केट जहाँ सारे बैंक्स बड़े बड़े अस्पताल एक एरिए में आपको मिलते हैं ठीक है ना तो uh, उस इलाके को हम सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहते हैं और यह ज़्यादातर सिटी के सेंटर में मौजूद होता है मैनी शॉप्स ऑफिस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज़ बैंक आर लोकेटेड है जैसे मैंने आपको बता दिया इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सेसिबल पार्ट पार्ट ऑफ़ द सिटी एज इट इज लिंक्ड बाय मेन ट्रांसपोर्ट रूट्स अब पूरे शहर में से ना चारों तरफ से रोड्स इनके साथ लिंक किए होते हैं सेंटर सिटी तक अ, सेंटर अ, हब तक आने के लिए या सी तक आने के लिए पूरे शहर में से रोड्स होते हैं जी हमने शहर जाना तो वो आपको आपके सिटी के किसी भी कोने से उठा कर अ, सिटी के सेंटर तक ले आते हैं Uh, इसलिए ये एक्सेसिबल होता है यानी बहुत ज़्यादा बसें मिल जाएंगी आपको रक्षे मिल जाएंगे या बहुत आसानी से आप इस तक पहुंच सकते हैं इसलिए इसको एक्सेसिबल कहा जाता है इट इज़ आल्सो द मोस्ट एक्सेसिबल पार्ट ऑफ द सिटी एज इट इज़ लिंक्ड बाय मेन ट्रांसपोर्ट रूट्स द लैंड हेयर इज एक्सपेंसिव एंड इज चीपर टू बिल्ड अपवर्ड्स अब यहाँ पर लैंड जो है ना वो बहुत महंगी होती है और थोड़ा सा अगर फ़र्क आता है अगर सस्ती मिले तो वो ये है कि अगर आप अब बनाना शुरू कर देते हो उसको जैसे फ्लैट्स में अब जो पहला फ्लोर का फ्लैट है सेकंड से थर्ड फोर्थ फिफ्थ वो जितना जितना आप ऊपर जाते जाएंगे ना किराए में फ़र्क आता जाएगा यानी चीपर होता जाएगा किराया द बिल्डिंग्स इन द सी बी डी आर वेरी टॉल एंड क्लोज टू ईच अदर अब जो बिल्डिंग्स हैं वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक बनी हुई होती हैं और बड़ी टॉल टॉल बिल्डिंग्स होती हैं ठीक है ना Uh, क्योंकि वहाँ पर ऑफिसज़ बने होते हैं उन बिल्डिंग्स के अंदर ज़्यादातर रिहाइश नहीं होती है इन द डे मैनी पीपल वर्क ही दिन के टाइम वहाँ बड़ी रश होती है क्योंकि पूरे शहर से लोग वहाँ पर काम करने के लिए आते हैं हाउ एवर एट नाइट द सबीड इज़ ऑलमोस्ट एम्प्टी और जैसे ही रात ढलती है ना तो वो तकरीबन ख़ाली हो जाता है क्योंकि वहाँ रिहाइश तो है नहीं लोगों की uh, वहाँ पर रेजिडेंशल एरियाज़ तो हैं नहीं वहाँ ज़्यादा ऑफिसेज़ हैं तो ये जगह ना बिल्कुल रात में ख़ाली हो जाती है अब इनर सिटी क्या है इनर सिटी के बारे में पढ़ते हैं अपने the inner city is located in a central part of the city uh, with a mix of wholesale manufacturing activities and residential areas now, what are the inner city may have a hub manufacturing activities bihan and through offices here ठीक है और रेजिडेंशियल एरिया यहाँ अब रिहाइश भी है इनर सिटी के अंदर ये आपने अच्छे से समझ लेना है ये भी सेंट्रल uh, पार्ट होता है सिटी का नज़दीक होता है ये भी आप कह सकते हैं कि uh, दिल हो सकता है जैसे लाहौर शहर जो है ना दिल है लेकिन वो अब एक सी लाहौर शहर के अंदर भी एक जगह है जो सी है और लाहौर शहर की इर्द गिर्द जो है वो सिटी है Uh, यानी वहाँ वो भी एक्सेसिबल है और वो फ़ायदा उठा सकती है सीबीडी का यानी वहाँ से लोग अपनी इनर सिटी में से सीबीडी तक जाने के लिए एक्सेस करने के लिए उनको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता उनको नज़दीक पड़ता है अपने काम अपने ऑफिसिस पर जाने के लिए द डेंसिटी ऑफ द हाउसेस इज़ हाई एज़ लैंड हेयर इज स्टिल एक्सपेंसिव अब इनर सिटी में भी लैंड एक्सपेंसिव है और uh, घर यहाँ भी बने हुए हैं देयर इज़ अ रेजिडेंसी टू बिल्ड एज मैनी हाउसेज एज पॉसिबल टू आउट कॉस्ट एज लैंड इज एक्सपेंसिव अब यहाँ पर uh, जो रिहाइश है ना आप घर तो बनाना आसान है वहाँ पर लेकिन आ, इसको आउटकास्ट लैंड जो है ना वो एक्सपेंसिव है कि अगर आप कहते हैं कि घर के अलावा भी आपको लोन मिल जाए वहाँ पर और ज़रा खुली जगह मिल जाए तो वो मुमकिन नहीं है वो आपको एक्सपेंसिव है यानी उसके लिए आपको उस लोन के लिए भी उतने ही पैसे भरने पड़ेंगे जितना आपको अपने घर के लिए भरने पड़े हैं हाउसेज टेन टू बी टेरिस हाउसेज़ विध स्मॉल यार्ड दैट ओपन ऑन टू द रोड्स लेकिन ज़्यादातर उन घरों के ऊपर टेरिस दे दिए जाते हैं ताकि बालकनीज और टेरस होते हैं कि बंदा इजी फील करे या उन हाउसेस के बाहर दीवार के एक थोड़ा सा लॉन होता है हर घर के बाहर छोटा सा एक लॉन दे दिया जाता है बस यही उनकी कुल कायनात होती है उनको यार्ड्स कहते हैं दीज हाउसेस आर डेवलप्ड टू प्रोवाइड चीप हाउसिंग फॉर वर्कर्स हु वर्क इन अ फैक्ट्री इन द इनर जोन और द सीबीडी। अब ये जो छोटे हाउसेस हैं जो जिन पे टेरेसिज हैं अब वहां वो किराए पे भी रह सकते हैं लोग आकर और वही छोटे छोटे दो दो तीन तीन चार चार मरले के घर होते हैं छोटा सा उनका टेरेस होता है और आगे छोटा सा लॉन होता है तो यहाँ पर ज़्यादा जो सीबीडी में काम करने वाले लोग हैं ना और दूसरे शहरों से आए हुए हैं शहर में काम करने के लिए तो वो वहाँ रिहाइश पजीर होते हैं और उनको वहाँ रहना थोड़ा चीप रहता है अगर वो बड़े फ्लैट्स लें जाकर सी के अंदर तो वो उनको बहुत महंगे पड़ेंगे क्योंकि वहाँ तो आपको पता है ना वो कमर्शियल जोन है तो वहाँ रहना मुश्किल है सी बी डी के मुकाबले में इनर सिटी थोड़ी सी चीप है अगर वो इन हाउसेज़ में आकर रहते हैं तो अब सी बी डी इन सिटी के बाद हम आते हैं थर्ड हमारी कैटेगरी है क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट सबर्ब्स की तरफ तो सबर्ब्स क्या है फर्दर अवे फ्रॉम द सी बी डी द लैंड बिकम्स लेस एक्सपेंसिव अब जितना दूर आप सी बी डी से होते जाओगे मेन हब से मेन कमर्शल हब से होते जाओगे ज़मीन उतनी सस्ती होनी शुरू हो जाएगी द हाउसेज आर सेमी डीटैच्ड विद बिगर गार्डन्स अब यहाँ पर जो घर बने हुए ना आप पिक्चर में देख सकते हो लॉस एंजलिस में यू एस ए में आ, हर घर को पीछे उन्होंने बड़ी यार्ड दी एक गार्डन दिया हुआ प्रॉपर ठीक है ना जो कि इनर सिटी में पॉसिबल नहीं था अब यहाँ पर गार्डन मिला हुआ है आपको और थोड़े थोड़े फ़ासले पे घर हैं ठीक है ना बीच में उनके छोटे गार्डन्स हैं बैक यार्ड्स हैं तो यहाँ आपको सेमी uh, डिटैच का मतलब ये होता है कि दो गार्डन्स आपके घर के बीच में है आधा उनका है आधा आपका है और लाइन लगी हुई है बीच में अक्सर आपने टीवी में देखा होगा कि uh, अमेरिका में या कनाडा में देखें तो किस तरह के घर होते हैं इस तरह के सबब्स बहुत ज़्यादा बने हुए होते हैं आगे चलते हैं रूरल अर्बन फ्रिंज क्या है देर इज़ अ मिक्सचर ऑफ रेजिडेंशियल रिक्रिएशनल एंड फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन द जोन अब यह जोन क्या है यहाँ पर ज़्यादातर रिहाइश जो है ना वो मिक्सचर है यहाँ पर रिक्रिएशनल uh, क्रिएशनल और फार्मिंग uh, एक्टिविटीज़ हो रही हैं यहाँ पर रिक्रिएशनल हम क्या कहेंगे जैसे फार्म हाउसेज बनाए हुए छोटे छोटे ना ग्रीन हाउस बनाए हुए हैं वहाँ पर सब्जियाँ उगा रहे हैं लोग फ्रूट्स उगा रहे हैं अपना कैटल फॉर्म्स रखे हुए हैं वहाँ पर मवेशी पाले हुए हैं उन्होंने तो थोड़ी थोड़ी शहरी ज़िंदगी भी है उनके पास और थोड़ी सी देहाती ज़िंदगी भी है तो ये एक फ़्रिंज सा है एक मिक्सचर सा है अगर देखा जाए तो द हाउसेस आर लार्जर देन दो इन द सबर्ब्स एज लैंड इज लेस एक्सपेंसिव अब यहाँ पर और सस्ती क्योंकि सी से अम, तीन गुना नीचे आ गए हैं पीछे की तरफ आ गए हैं दूर आ गए हैं तो अब यहाँ पर लैंड और सस्ती हो गई है यहाँ पर ये यह बड़े रकबे में एक घर होता है ठीक है और इर्द गिर्द चार चार पाँच पाँच कनाल की ज़मीन खुली होती है इनके पास चाहे वहाँ पर फसल उगाएं सब्ज़ियाँ लगाएं जानवर पालें बल्कि इससे भी खुल्ले खुल्ले इलाक़ों में जो है ना ये अपने घर बनाते हैं यानी एक घर है और दूसरा घर वो दूर सामने नज़र आ रहा है और उसके इर्द गिर्द सारा गार्डन है या उन्होंने खेत बनाया हुआ है अपना क्योंकि ज़मीन सस्ती है दीज़ आर ऑल्सो गोल्फ़ कोर्सेज एंड अदर रिक्रिएशनल एमटीज़ दैट रिक्वायर लार्ज एरियाज़ ऑफ लैंड अब यहाँ पर गोल्फ़ पार्क भी बन सकता है यहाँ पर उन्होंने क्या बनाया हुआ है जो कहते हैं ना आप दूसरी एक्टिविटीज़ हैं जैसे आप वो अरिना वगैरह बना लेते हो जहाँ पर आप गेम्स करते हो या जमखाना वगैरह बन जाता है यहाँ पर तो ऐसे वहाँ की रिहाइश थोड़ी शहर से भी टच रखती है शहरी टच भी है और उसमें देहाती टच भी है यानी आप नेचर के भी बहुत नज़दीक हो फसलें उगा रहे हो जानवरों को देख रहे हो परिंदों को देख रहे हो और आप बाकी एक्टिविटीज़ जो शहर में होती हैं बहुत महंगी वो भी यहाँ इंजॉय कर रहे हो आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हो यहाँ पर आप अपने बैडमिंटन या इस तरह के कोर्ट्स जो होते हैं ना जिनमें आप टेबल टेनिस वगैरह और या दूसरी एक्टिविटीज़ जम में होती हैं वो भी कर सकते हो तो ये इसलिए इसको रूरल अर्बन फ्रेंच कहा जाता है कि शहरी और देहा ज़िंदगी का मिक्स होता है ये लेकिन ये देहात नहीं होता यहाँ पर ज़्यादातर अमीर लोग ही रहना पसंद करते हैं उन्होंने अपने फार्म हाउसेस बनाए होते हैं बड़े लेविश किस्म के स्विमिंग पूल्स भी होते हैं उसके अंदर और हर तरह की फैसिलिटी भी होती है और साथ कुदरती माहौल भी दिया होता है उन्होंने जानवर भी रखे होते हैं परिंदे भी रखे होते हैं तो ये था रूरल अर्बन फ्रेंच आगे चलते हैं एक्टिविटी वन विच सो डू यू लाइक अप या है कि आपको कौन सी जोन चारों में से पसंद आई है आगे पढ़ते हैं न्यूक्टेड सेटलमेंट्स क्या होती है न्यूक्टेड सेटलमेंट के बारे में पढ़ना बड़ा आसान है जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि एक जत्था सा है एक ही जगह पर ये बॉक्सेस आपको इस फिगर के अंदर नजर आ रहा है एक ही जगह सारे लोग अब हैं और चारों तरफ फसलें हैं या ग्रीन एरिया है ठीक है बहुत आसान बहुत आ, मज़े की चीज़ है न्यूकुलेटिड एरिया अक्सर आप सफ़र कर रहे होते हो आ, बड़े बड़े हाईवेज़ के ऊपर तो आपको एक जगह आबादी नज़र आती है जो कट्ठे घर बने हुए होते हैं ठीक है और चारों तरफ उनके आ, जो है ना वो होता है खेत वगैरह होते हैं या अब इतनी आबाद इलाका नहीं होता तो सारी आबादी एक ही जगह किट्ठी होती है छोटी छोटी आबादियाँ होती हैं इनको हम कहते हैं न्यूकुलेट सेटलमेंट्स और डिस्पर्स सेटलमेंट क्या होती है वो दूर 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 जैसे पहाड़ों पर एक पहाड़ पर वो घर है एक थोड़े तीन चार किलोमीटर के फासले पे फिर एक घर है यानी दूर 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 फैले हुए हैं वो डिस्पर्स होते हैं दूर दूर आबादी होती है या तीन तीन घर दूर दूर फासले पर होते हैं दो दो घर या चार चार या पांच पांच घर लेकिन जो एक एक जगह इकट्ठे घर बने होते हैं ना सौ दो सौ तीन सौ घर एक जगह इकट्ठा और फिर उस उनके चारों तरफ इलाका खाली है वो होता है निकलेटेड एरिया इन ए न्यूक्टर सेटलमेंट द डवेलिंग आर क्लस्टर टुगेदर यूजली एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट रूट्स द सेटलमेंट्स वेरीज इन साइज फ्राम स्मॉल विलेज टू स्मॉल टाउन एंड सिटीज़ और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सेटलमेंट जो होती है ना एक जगह क्लस्टर की शक्ल में होती है एक जगह इकट्ठे हुए होते हैं सारे और इनका ट्रांसपोर्ट का जो मीटिंग रूट्स होते हैं ना वो भी ए एक ही पॉइंट होता है इनके पास जहाँ से उन्होंने जैसे एक हाईवे जा रहा है या जी टी रोड जा रहा है तो सारे वहीं उसके आसपास आबाद हो जाती हैं याबादियाँ होती हैं और ये सेटलमेंट्स वेरी करता है एक छोटा गांव भी हो सकता है या छोटा सा कस्बा भी हो सकता है या छोटी सी कोई शहर भी हो सकता है जैसे छोटे छोड़ छोटे शहर हैं आबाद है या गखड़ है या और दीना है या जेलम है छोटे छोड़ छोटे जो कोई शहर हैं जैसे कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये है निकलेटेड एरिया अब इसके इर्द गिर्द जो अगर दूर आप देखें ना समंदर और वो उसके पीछे जो लैंड है वो खाली पड़ी हुई है बिल्कुल तो सारे एक ही आइलैंड के ऊपर इकट्ठे जमा हो गए हैं क्योंकि इन इन इनको इन, यही सूट कर रहा है यहाँ पर रहना यानी ये फैल कर नहीं रह रहे एक साथ रहने में इनको फायदा है इन और डिस्पर्स सेटलमेंट क्या होता है आप देख रहे हैं बॉक्सेस दूर दूर हैं एक दूसरे से द डिवाल आर स्प्रेड आउट ओवर अ लार्ज एरियाज़ विदाउट एनी स्पेसिफ़िक पैटर्न और इनका कोई पैटर्न नहीं होता बग़ैर किसी असूल और काव्य के ये ना दूर दूर एक दूसरे के इन्होंने घर बनाए होते हैं जैसे मैंने आपको पहाड़ों में भी बताया कोई कहीं कहींबाद है कोई कहीं आबाद है इसी तरह गाँव में भी कोई कहीं कहींबाद है एक घर बन गया दो घर बन गए फिर किलोमीटर के फास्ते पर तीसरा चौथा घर बन, बना बना हुआ है तो ये खुले एरिया में बने होते हैं दूर दूर एक दूसरे से रहते हैं द डिवेलिंग में बी सेपरेटेड बाय फॉरेस्ट और हाईलैंड या तो ये पहाड़ों की वजह से दूर दूर रहने पर मजबूर होते हैं या इनके बीच में जंगल आ जाते हैं तो इस वजह से ये दूर दूर एक दूसरे से रहते हैं तो ये दो वजह हो सकती हैं डिस्ब सेटलमेंट की जैसे कि आप पहाड़ में देख रहे हैं कहीं कहीं आबादी होती है कोई दो घर मिल गए तीन घर मिल गए तो ये डिस्पर्स हैं सेटलमेंट अब पढ़ते हैं अर्बनाइजेशन क्या होती है अर्बनाइजेशन इज द इंक्रीज इन द पोपोर्शन ऑफ़ द पॉपुलेशन लिविंग इन टाउन्स अर्बनाइजेशन ये है कि आप की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है जो टाउन्स में रह रही है वो कितनी तेज़ी से उस टाउन को शहर बन, बनाने में जुटी हुई है यानी वो कितनी तेज़ी से उस टाउन को उस कस्बे को शहर बना देगी आ, दो सालों में या

उन्होंने ये तजिया लगा लिया था ये समझ लें कि उन्होंने फ़ोरकास्ट दे दी थी या उन्होंने ये प्रोजेक्ट करके बता दिया था कि हमने ये एस्टिमेट किया कि सिक्सटी एट परसेंट जो है ना दो हज़ार पचास जब तक आएगा ना तो सिक्सटी एट परसेंट आबादी जो लोगों की होगी वो शहरों में बस चुकी होगी विद मोस्ट एशिया एंड अफ्रीका और ज़्यादातर ये uh, कहाँ होगा एशिया और अफ्रीका के इलाकों में यानी ज़्यादातर लोग शहरों में रहना पसंद करेंगे नीचे आपको वो उन्होंने ग्राफ दिया हुआ है कि किस स्पीड से पॉपुलेशन जो है ना बढ़ेगी और uh, टाउन्स को सिटीज में और फिर उन सिटीज को सीबीडीज में बदल देगी इन कंट्रीज लाइक सिंगापुर एंड मोनाको हंड्रेड परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरियाज़ लेकिन अगर आप कंट्रीज देखें सिंगापुर है या मोनाको तो वहां पर सौ फीसद आबादी जो है ना वो शहरी इलाक़ों में रहती यह, यहां है यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि गांव में कोई रहना पसंद ही नहीं करता हाउ एवर इन कंट्रीज़ लाइक कम्बोडिया एंड अफगानिस्तान लेस दैन थर्टी परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन अर्बन एरियाज़ और अगर इसी के मुकाबले में हम कम्बोडिया को या अफगानिस्तान को देखें तो सिर्फ तीस परसेंट आबादी है जो अर्बन इलाकों में रहेगी यानी काबुल वगैरह की साइड पर रहती है बाकी सारे अफगानिस्तान में रूरल एरियाज़ में देहात में रहना पसंद करते हैं वहीं रहते हैं तो प्लस uh, माइनस चल रहा है कंट्रीज़ uh, के अंदर कॉजेज ऑफ अर्बनाइजेशन अब अर्बनाइजेशन होती क्यों है यानी कोई गांव कस्बा क्यों बनता है और कस्बे से शहर और शहर से बड़ा शहर कैसे बन जाता है अर्बनाइजेशन कैन बी कॉज बाय रूरल अर्बन माइग्रेशन एंड नेचुरल इंक्रीज़ अब दो वजह हैं इसकी दो कॉजेज हैं या तो रूरल अर्बन माइग्रेशन होती है यानी देहातों से लोग शहर की जिंदगी में रहना पसंद करते हैं शुरू से उनके माँ बाप गाँव में रहते हैं जब बच्चे बड़े होते हैं पढ़ते हैं लिखते हैं शहर की जिंदगी में जाकर तो वो अपने माँ बाप को कहते हैं आप क्यों गाँव में बात है चले हम भी शहर में जाके घर लेते हैं और अपनी वो खेत वेत बेच के बेवकूफ़ी करके तो जाके शहरों में आबाद हो जाते हैं एक तो ये वजह होगी दूसरी नेचुरल इंक्रीज़ है तो नेचुरली भी जो शहरों में रहने वाले हैं उनके बाल बच्चे फिर वो आगे घर ख़रीद के देते हैं वो आगे घर ख़रीद के देते हैं तो वो शहरों में रहते हुए भी मजीद एक ख़ानदान जो है ना वो बढ़ता चला जाता है एक पूरी पूरी गली में ख़ानदान जो है ना रह रहा होता है कोई चाचा कोई मामा कोई बाबा इस तरह सारे इकट्ठे मिलकर रह रहे होते हैं तो एक ये वजह होगी रूरल अर्बन माइग्रेशन क्या है रूरल अर्बन माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम द कंट्री साइड टू सिटी ये जैसे मैंने आपको बताया कि इलाकों से लोग शहरी इलाकों में जो है ना माइग्रेट कर जाते हैं हिजरत करके आ जाते हैं रहने के लिए अपना घर बार सब कुछ वहीं बेचते हैं गाँव में और शहर की ज़िंदगी को अपना लेते हैं वैन मोर पीपल माइग्रेट टू द सिटी द सिटी ग्रोज जैसे ही शहर में ज़्यादा लोग आके बाद होना शुरू होंगे आपको पता है सिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी फॉर एग्ज़ाम्पल कराची रिसीज़ अबाउट फोर्टी फाइव थाउजेंट माइग्रेंट्स वर्कर्स एवरी मंथ फ्राम अदर पार्ट ऑफ पाकिस्तान अब क्या है कि कराची को अगर आप देखें ना तो तकरीबन पैंतालीस हज़ार लोग हैं पूरे पाकिस्तान में से जो कराची में जा कर बाद होते हैं सिर्फ रोजी रोटी की खातिर कि जी वहाँ शहर बढ़ा है हमें खाने पीने को रोज़ी मिल जाएगी फिर आहिता आहिस्ता वो अपने घर वालों को भी वहीं बुला लेते हैं तो ये ये जो है ना एक बड़ी वजह है रूलर अर्बन माइग्रेशन की रूलर अर्बन माइग्रेशन इज कॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पुश एंड पुल फैक्टर्स ये पुश एंड पुल फैक्टर्स आपने दिल से याद करने हैं बड़े क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी सी बी डी की तरह ये अगर मैं जो आपको बता रही हूँ जो जो पॉइंट्स इनको अगर आप याद करेंगे तो माशाल्लाह आप फुल मार्क्स अपटेन करेंगे पुश फैक्टर्स क्या हैं आर रीजंस दैट ड्राइव पीपल अवे फ्रॉम अ प्लेस वाइल पुल फैक्टर्स आर रीजंस दैट अट्रैक्ट पीपल टू अ प्लेस कुछ पुश फैक्टर्स हैं जो किस लोगों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर लाते हैं कि भाई अब हमने यहाँ रहना चलो शहर की तरफ ठीक है ये वो लोग होते हैं जो अपने जिधर रह रहे हैं वहाँ से दुख उठाने की वजह से परेशानी की वजह से मूव करते हैं किसी और एरिया में और पुल फैक्टर्स क्या हैं कुछ लोग अट्रैक्शन की वजह से आते हैं कि यार अब वो फाना बंदा कराची गया था तो उसके तो वारे नारे हो गए वो तो बड़ा अमीर हो गया तो दिनों में उसने तरक्की कर ली तो हम भी चलते हैं तो ये ये दो पुश एंड पुल फैक्टर्स हैं पुश फैक्टर्स में क्या है अनएम्प्लॉयमेंट है लोअर वेजेस हैं लैक ऑफ सर्विसेज हैं लैक ऑफ सेफ्टी है सोशल अनरेस्ट है लैक ऑफ एजुकेशन है अपॉर्चुनिटीज़ पुअर ट्रांसपोर्ट लिंक्स हैं तो ये सारे पुश फैक्टर्स कहाँ हैं ये गांव में हैं क्योंकि गांव में ना एम्प्लॉयमेंट uh, आपको अच्छी मिलती है ना आपको अच्छे uh, जो है तनख्वा मिलती हैं और आपको नौकरियाँ ही नहीं मिलती और अगर मिलती हैं तो वो बहुत कम तनख्वाह में लेती हैं सेफ्टी कोई नहीं है वहाँ पर आपको कोई लूट लेता बड़े आराम से आके यानी पुलिस पुलिस आपसे पूछती नहीं है इसके अलावा सोशल अनरेस्ट है बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं और जो एजुकेशन है वहाँ पर स्कूल अच्छे नहीं हैं और ट्रांसपोर्ट अच्छी नहीं मिलती आपको वहाँ पर और पुल फैक्टर्स क्या है मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वेजेस हैं मोर सर्विसेज़ सेफ सेफर इन्वायरमेंट है सिक्योरिटी है मोर एजुकेशन हैं, और ट्रांसपोर्टिंग सब कुछ आपको शहरी इलाकों में मिलता है तो ये आपने को जो ना से याद से आपने किसी चीज़ को मिस नहीं करना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब का हम पढ़ लेते हैं। एक तो रूरल अर्बन माइग्रेशन uh, थी अब दूसरा है नेचुरल इंक्रीज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बर्थ एंड पॉपुलेशन अब नंबर ऑफ डेथ क्या हो रहा है नेचुरली इंक्रीज हो रहे हैं ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं या ज्यादा लोग मर रहे हैं ये नेचुरल पॉपुलेशन का जो है ना नेचुरल इंक्रीज़ हम यहाँ से अंदाज़ा लगाते हैं वैन द नंबर ऑफ बर्थ इज़ मच हायर दैन द नंबर ऑफ डेथ जब ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं लेकिन लोग कम मरते हैं यानी एक साल में अगर ढाई लाख बच्चा दुनिया पर आया है और मरने वालों की तादाद सिर्फ बीस हज़ार है तो क्या होगा ये इंक्रीज कर जाएगी पॉपुलेशन द पॉपुलेशन इन द सिटीज ग्रोस फॉर एग्जाम्पल इन नाइनटीन नाइन्टी सेवन लाहौर हैड अप्रोक्सीमेटली टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड बर्थ्स एंड थर्टी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड डेथ्स अब डेथ्स कम थी इन एज कम्पेयर टू बर्थ देखिए ना बर्थ कितनी ज़्यादा है बहुत ज़्यादा बच्चे बीस बाईस लाख बच्चा पैदा हो गया है और मरे कितने लोग हैं सिर्फ साढ़े छत्तीस हज़ार लोग हैं जो तो दुनिया से गए हैं दिस मीन्स दैट द पॉपुलेशन ग्रू है अप्रोक्सीमेटली तकरीबन दो लाख जो है ना uh, कमोबेश पौने दो लाख लोग बढ़ गए एक एक ही साल के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा हाई इंक्रीज़ था नेचुरल इंक्रीज़ था तो अब होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी लेकिन हम ये ऐसा नहीं चाह रहे कि लोग मर जाएं लेकिन ये एक क्योंकि नेचुरल फिनमिना है तो उसके बारे में बात हो रही है अब प्लान एंड अन प्लान सिटीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ मच प्लानिंग हैज़ बीन डन फास्ट ग्रोइंग सिटी में लुक ऑर्गेनाइज और मेसी आप ये डिपेंड करता है कि आप की कैसी प्लानिंग हो रही है एक फ़ास्ट ग्रोइंग सिटी आपको पता है हमारी सिटी के अंदर अगर लाहौर वाले हैं अगर हम देखें नेचुरल इंक्रीज़ वहाँ पर सवा दो लाख बच्चे का है या पौने दो लाख बच्चे का तो वहाँ की गवर्नमेंट को सोचना चाहिए लाहौर की कि भाई अब हमारा आने वाले दस सालों में यहाँ जब बच्चे ये बड़े होंगे तो ये अपन की शादियाँ होंगी या अपने घर बात करेंगे तो हम उस हिसाब से लाहौर को डिज़ाइन करें ठीक है ना कि हर सहूलत हर बंदे को मिल सके इस तरह की प्लानिंग की जाए तो ये गवर्नमेंट का सारा काम होता है कि वो किस तरह ऑर्गेनाइज़ करती है या वो सिटी ख़ूबसूरत बनेगी ऑर्गेनाइज सिटी होगी या फिर वहाँ मैस हो जाएगा सब उलट पुलट हो जाएगा गंद पड़ जाएगा घर पे घर तामीर होता चला जाएगा ना कोई गली होगी ना कोई रास्ता होगा ना कोई प्रॉपर रोड होगा कुछ समझ नहीं आ रही होगी कि ये क्या अजीब सा गंद पड़ा हुआ है अन सिटी इज़ एनी कम्युनिटी दैट वॉज केयरफुली डिज़ाइन फ्राम द बिगनिंग एंड अन प्लान सिटी इज़ एनी कम्युनिटी दैट डिवेलप ऑन इट्स ओन विदाउट प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर अब प्लान सिटी क्या होती है जिनको पहले से पता होता है भी हमारी सिटी में लोगों ने आके रहना है हम अच्छे तरीके से हर चीज़ को आ, उस हिसाब से ऑर्गेनाइज़ रखें कि यहाँ पर इतने लोग रह सकते हैं यहाँ पर इतने लोग रह सकते हैं यहाँ पर बैंक्स होंगे तो बैंक्स के लिए बहुत जगह खुली छोड़ दी कि जो जो अपना बैंक बनाना चाहिए यहाँ बनाए स्कूलों के लिए अलग जगह प्रॉपर रखी हो कब्रस्तान अलग रखा हो you तो वो अच्छा ऑर्गेनाइज होता है और अनप्लान सिटी क्या होती है जिन जो जिसकी गवर्नमेंट ही कुछ ख्याल ना करे इंफ्रास्ट्रक्चर का जिसका दिल चाहे वो जहाँ चाहे वो अपना घर बना ले कोई पूछने वाला ना हो प्लान सिटीज़ आर ऑफन एबल टू तो कैटर वेल टू द नीड्स ऑफ देयर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन वाइल अनप्लान सिटीज़ आर लेस एबल टू डू सो और जो प्लान सिटीज़ होती हैं जब वहाँ पर रिहाइश बढ़ती है तो हर बंदे को एक जैसी सहूलियात मिलती है क्योंकि वो पहले से ऑर्गेनाइज़ किया होता है गवर्नमेंट ने उस चीज़ को इसलिए मुश्किल नहीं होती लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सिटीज़ होती हैं के लिए मैसअप हो जाता है हर चीज़ कोई बंदा पानी ज़्यादा ले रहा है कोई बिजली का बिल दे रहा है कोई नहीं दे रहा क्योंकि चीज प्लान नहीं है ना बस वहाँ पर गंद पड़ा हुआ है जो जिस जिसकी चल रही है मर्जी बस वो कर रहा है अब प्लान सिटी की अगर हम एग्जांपल देखें तो इस्लामाबाद एक प्लान सिटी यानी यहाँ पर लोग आबाद होने से पहले जिस बंदे ने इसको प्लान किया था ना उसको पता था यहाँ पर इतनी आबादी आके आबाद होगी तो उसने जोन्स में इसको डिवाइड कर दिया था इन द सिक्सटी यानी उन्नीस में ही इस्लामाबाद आबाद वॉज चूज़न टू बी डिवेलप्ड एज पाकिस्तान कैपिटल पाकिस्तान के कैपिटल होने की वजह से दारखिलाफों होने की वजह से इसको उसी तरीके से उसी तर्ज से प्लान किया गया था कि यहाँ पर किसी को तकलीफ़ ना हो जब लोग यहाँ पर आकर आबाद हों इट इज़ डिवाइडेड into uh टू मेजर जोनस जोन वन एंड टू आर फर्दर डिडेड इन टू सेक्टर्स अब इन इसको दो जोन्स में डिवाइड किया गया था जोन वन एंड टू और उन दो जोन्स को मज़ीद आगे सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया था विच इंक्लूड्स द एजुकेशनल सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर एंड कमर्शल डिस्ट्रिक्ट जोन जोन वन में जो मेनली है ना कंसिस्ट uh, था ऑफ डिवेलप्ड रेजिडेंशियल सेक्टर्स थे डिवेल्ड रेजिडेंशियल सेक्टर्स वो होते हैं जिनके अंदर अपनी मार्किट अपना सब कुछ उनको बैंक दे दिया दिया जाता है ठीक है ना उनका एक सेंट्रल हब बना दिया जाता है और साइडों पे सारी रिहाइश होती है उनको सारी फैसिलिटी फैसिलिटी वहीं मिलती है उसी जोन के अंदर वाइल जोन टू कंसिस्ट ऑफ अंडर डेवलप रेजिडेंशियल सेक्टर्स ईच सेक्टर हैज़ इट्स ओन शॉपिंग एरिया एंड पब्लिक पार्क ईच सेक्टर इज यूज इट कट इन अ ग्रेट सिस्टम एंड कैप्ट सेपरेटेड ग्रीन एरियाज अब सॉरी अगर मुझे यहाँ से कहीं थोड़ी प्रॉब्लम हुई है पढ़ने में क्योंकि ब्लर है काफ़ी ज़्यादा तो मैं कोशिश करूंगी अच्छे से एक्सप्लेन करने की इसकी यानी जोन वन में जो है ना जो पहले से आबादी वहाँ मौजूद थी सबको वहाँ पर लोकेट करवा दिया गया कि जी चले आप यहाँ पर आबाद हों पहले पहले इसको पूरा भर लें इस जोन को और सेकंड जोन जो थी ना उसको अंडर डेवलप रखा गया कि जब जोन वन पूरी तैयार हो जाएगी भर भूर जाएगी सब चीज़ें पूरी हो जाएंगी वहाँ पर तो हम फिर जो बाहर से लोग रहने के लिए आएंगे या उनको ख्वाहिश होगी कि हम मजीद घर बनाएं तो फिर जोन टू के अंदर घर बनाना उसको डिवेल्प करना शुरू करेंगे तो इस तरह बहुत ऑर्गेनाइज वे में इसको तैयार किया गया था और हर एक जोन को जोन से ना ग्रीन एरिया जो सेंटर में ग्रीन एरिया दिए गए थे और उनको फिर एक दूसरे से दूर किया गया था उन ग्रीन एरिया की वजह सेपरेट किया गया था और हर जोन में उनके अपने शॉपिंग मॉल्स थे अपने पब्लिक एरियाज थे अपने पार्कस थे हर तरह की फेसिलिटी उनको आ, हर जोन में प्रोवाइड की गई थी तो कितना बेहतरीन नीचे आप देख रहे हैं पिक्चर है मैंने कंप्लीट इसलिए नहीं दी है क्योंकि मुझसे ऊपर पढ़ा नहीं जाना था तो आप अपनी बुक्स में देख लीजिएगा कि कितना बेहतरीन इन्होंने जो है ना सिटी को प्लान किया था इस्लामाबाद की और किया कब था देखिए नाइनटीन सिक्सटीज़ के अंदर और यह बहुत इंपॉर्टेंट है नाइनटीन की डेट बहुत अच्छे से याद रखिए अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ प्लान सिटी इज़ ब्राज़ीलिया ब्राज़ील की यह सिटी है ब्राज़ील एक मुल्क है Uh, जिसकी सिटी ब्राजीलिया है ब्राजीलिया वॉज फाउंडेड एज द कैपिटल ऑफ ब्राजील इन 1960। ये भी 1960 में कैपिटल बना दारोखलाफा बना ब्राजील का सिटी वॉज प्लान अलोंग टू मेन एक्सेस द मोनोमेंटल एक्सेस रन फ्राम ईस्ट टू वेस्ट एंड कंसिस्ट ऑफ पोलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ द रेजिडेंशियल एक्सेस रन फ्राम नॉर्थ टू साउथ एक्सेस होते एक इमेजनरी लाइन स्ट्रेट लाइन ठीक है और इन दो लाइनों के बीच में जो है ना इन्होंने इस चीज़ को आबाद किया था जो एक्सेस um, था न मेन uh, एडमिनिस्ट्रेटिव और एक पोलिटिकल और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्स था जो कि uh, कहाँ रन कर रहा था ईस्ट टू वेस्ट की तरफ वहाँ पर सारी कितनी एक कौन सी एक्टिविटीज़ होती थी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ टेक प्लेस होती हैं और जो रेजिडेंशियल एक्सेस था ना यानी अगर आपसे पूछा जाता था, था भी आप कहाँ से तो आप बताते थे कि मैं मोनोमेंटल एक्सेस से हूँ और आ, कोई पूछा था जी आप कहाँ से तो आप कहता था जी मैं रेजिडेंशियल एक्सेस से हूँ तो फ़ौरन समझ आ जाती थी कि किसकी बात की जा रही है और रेजिडेंशियल एक्सेस जो था ना वो रन करता था नॉर्थ टू साउथ और वहाँ पर ज़्यादा सुपर ब्लॉक्स थे दैट आर सेल्फ सफिशेंट नेबरहुड्स विद हाउसिंग एंड एसोसिएटिव फंक्शंस लाइक स्कूल्स एंड शॉप्स वगैरह और वहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो रेजिडेंशियल एरिया में वो यही थी कि वहाँ पर दुकानें थीं और स्कूल्स थे और हॉस्पिटल वगैरह वो वहाँ पर था ताकि वहाँ की रिहाइशी आबादी को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो द बैंकिंग सेक्टर कमर्शियल सेक्टर एंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर लाई एट द इंटरसेक्शन टू अलाउ द फ्लो ऑफ ट्रैफिक और ये सारी चीज़ें जो है ना वो उन्होंने बाहर की तरफ रखी हुई थी इंटरसेक्शन रखी हुई थी ट्रैफिक के बहाव को आ, 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 सही रखने के लिए यानी ऐसे एरिया में इन सारी बैंकिंग और कमर्शियल और ट्र, ट्र, ट्रांसपोर्टेशन को ऐसे इलाके में ले गए ले गए थे जिसकी वजह से रेजिडेंशियल एरिया को या एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल एरिया को तकलीफ़ ना हो जहां पर रोड्स ब्लॉक ना हो लोगों के रश की वजह से क्योंकि जब लोग खरीदारी के लिए शाम में निकलते हैं तो सारे रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं तो इन्होंने इतने ऑर्गेनाइज वे में ये सारी चीज़ें जोन्स जो हैं बनाई हुई थी आगे हम पढ़ लेते हैं रोड आर बिट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फॉर द मोनमेंट एक्सेस एंड थ्री थॉट रोड्स वर बिल्ट फॉर द रेजिडेंशियल एक्सेस अब इन्होंने दोनों एक्सेस के लिए अलग अलग रोड्स अलग अलग नॉर्थ साउथ की डायरेक्शंस में बनाए हुए थे ताकि लोगों को पता हो कि अगर हमने मोनमेंटल एक्स में जाना है तो हमें कौन से रोड को लेना है और अगर हमने रेजिडेंशियल एक्सेस में जाना है तो कौन सा आसान और शॉर्ट वे है जो बगैर ज़्यादा ट्रैफिक के हम किए बगैर यानी जितने ज़्यादा रश एरिया था वो सेंटर में ले आए थे और बार बार जो है ना जैसे हम कहते हैं ना रिंग रोड्स बनाए हुए थे तो वो पूरी सिटी के इर्द गिर्द चलते थे आगे आपको ये पिक्चर जो नज़र आएगी ना मैप पूरा वो आपको समझ आ जाएगा कि कितनी बेहतरीन अंदाज से प्लान किया गया था ब्रसल की इस सिटी को आप अपनी बुक्स के ऊपर जो है ना ये ब्राज़ील की ब्रासिल सिटी को देख सकते हैं कि कितनी वेल प्लान है आगे पढ़ लेते हैं अब अनप्लान्ड सिटीज क्या हैं और देखें आया सबसे पहले हमारे शहर लाहौर का नाम माशाल्लाह जो अब तो काफ़ी बेहतर है लेकिन शहर लाहौर की जो अंदर वाला सारा है ना मेन शहर जो है वो काफ़ी अनप्लान्ड है उनको कोई पता नहीं कोई उनको रोकने वाला नहीं था उस दौर में बस घर बहुत तंग गलियों में एक दूसरे के ऊपर घर चढ़े हुए हैं लाहौर पॉपुलेशन हैज़ बीन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ बिटवीन थ्री परसेंट टू फाइव परसेंट नाइनटीन 1955 फाइव से लाहौर की जो पॉपुलेशन है ना वो तीन से लेके पांच परसेंट बढ़ती ही चली जा रही है हर साल इट्स पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू हैव क्रॉस ट्वेल्व मिलियंस पीपल इन 2019 2019 में एस्टिमेट किया गया था कि दो हजार उन्नीस तक ये बारह मिलियन से भी ज़्यादा हो जाएगी आपको पता है एक मिलियन के अंदर दस लाख लोग होते हैं ठीक है दस लाख के बराबर एक मिलियन होता है तो बारह मिलियन आप खुद कैलकुलेट कर लें मोर देन थ्री हंड्रेड इन सेटलमेंट्स हैव अपियर्ड एज पीपल बिल्ड होम्स वेर एवर दे विश टू और तकरीबन तीन सौ इन सेटलमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं जो कि समझ लें कि एक दूसरे के ऊपर लोगों ने अपने घर बना लिए हैं बगैर किसी से पूछे जहाँ उनका दिल किया वहाँ उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी कोई प्लानिंग नहीं थी इन कंट्राज टू प्लान एरिया लाइक द मिलिट्री एरिया एंड द मॉडल टाउन द अनप्लैंड स्लम्स एरियाज ऑफ लाहौर आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज वेयर इनिटेंट हैव टू डील सीरियस चैलेंजस इन डे टू डे लाइफ रेजिस्टू सैनिटेशन क्लीन वाटर वेस्ट सिक्योरिटी अब ऐसा नहीं है कि लाहौर पूरा ही मैसअप हुआ हुआ है कुछ प्लान्ट एरियाज़ भी हैं जिनमें मॉडल टाउन है या मिलिट्री का एरिया है या कैंट का एरिया है और भी बहुत सारे बहरिया टाउन वगैरह बन गया है अब तो तो ये तो वो एरियाज़ हैं जो हुए हैं और फिर बने हैं कोई तरतीब है कोई रोड्स हैं कोई प्रॉपर कमर्शल जोनस हैं लेकिन जो अनप्लैंड है ना उनको बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है अगर कोई मर जाता है तो वो इतनी तंग गली है कि आप उसकी चौरपाई लेकर उसका जनाजा लेकर बाहर प्रॉपरली उसको लेकर नहीं आ सकते यानी हाथों में पकड़ के उसको आप जनाजे को बाहर मेन रोड तक

छोटी छोटी साइकिल या कार्ट्स के जरिए वो कूड़ा जो है ना मेन रोड तक लेकर जाते हैं इसके अलावा हेल्थ है इश्यूज़ हैं पानी का मसला है सफाई का मसला है और सिक्योरिटी का मसला है तो क्योंकि छतें मिली नहीं है एक दूसरे से कोई पता नहीं चोर एक छत से दूसरी छत तीसरी छत और लूटता हुआ ना वो माशाल्लाह बड़े आराम से उसने हाईवे बनाया हुआ छतों को और मज़े से वो लोगों की चीज़ें उतार उतार कर आगे से आगे ले जाता तो बंदा किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए यानी आपस में लड़ाई बन जाती है कि भाई मेरी छत पर फलानी चीज़ पड़ी थी तुमने ली होगी वो कहता है जी तुमने ली होगी मेरे भी कपड़े डले हुए थे कोई उतार कर ले गया तो ये इस किस्म की जो है ना छोटी मोटी लड़ाइयाँ और जो बहुत बड़ी लड़ाइयों में पहुँच जाती है इसके अलावा गली में जो वेस्टेज है या ड्रेनेज है उसका प्रॉब्लम है नालियाँ ना प्रॉपरली नहीं बने नहीं गंदगी है बहुत परेशानी है